डाटा खोला, गूगल किधर है इधर है, टाइप किया एक्स एक्स HD मूवीज, खटाक से आया, उंगली से ढूंढने लगा, ये वाला अच्छा है, अब देख रहा है। हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार, स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज मसीहत सिर्फ नाम की मसीहत रह गई है। आज मसीही पाप करने से जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं और बड़े आराम से पाप कर देते हैं। थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। जिस परमेश्वर के सामने आकाश और पृथ्वी थरथराते हैं, मगर आज ऐसे लोगों को जरा भी डर नहीं लग रहा है और बड़े आराम से पाप कर देते हैं। मेरी बात को याद रखना मेरे भाई, जिस प्रकार आप अपने मोबाइल में गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आपको आग में नंगा ही डालेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि सेक्स वीडियो क्या होता है और लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। अगर भैया आपके पास चाहे जितनी सुंदर गर्लफ्रेंड है तो उसे अभी गुड बाय बोल दो, क्योंकि यह अंत का दिन चल रहा है। सुधर जाओ और बचा लो अपने आप को नरक जाने से। कब तक पाप करते रहोगे, कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे, कब तक लड़कियों की ताक झाक में लगे रहोगे? क्या अंत नहीं, कभी तो अंत होगा इन सब पापों का। इसलिए यीशु ने भी कहा था, मेरे भाइयों और बहनों, अवसर को बहुमूल्य समझो, अभी आपको समय मिला है अपने पापों से पश्चाताप करने का। इसलिए आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए यीशु के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नरक में डालना नहीं चाहता है। भैया जब आप खुद पाप करके उस नरक में जाना चाहते हो तो उसमें परमेश्वर क्या करे, उस नरक में आपको एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि युगान युग के लिए डाला जाएगा। नहीं बर्दाश्त कर पाओगे उस नरक की आग। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सब उपदेशक 11 के नवचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो आपके सामने जीवन और मरण की बातें रखी हैं। परमेश्वर कहता है तू जीवन ही को चुन। देखिए भैया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बताना मेरा काम है, जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। स्वर्ग जाना चाहते हो कि नर्क, फैसला अब आपके हाथ में है। देखिए, नर्क में आपको एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए, युगानु के लिए डाल दिया जाएगा और नरक का ऊपर से ढकना बंद कर दिया जाएगा। देखिए, रैप्चर में यीशु के साथ स्वर्ग में वही लोग उठाए जाएंगे मेरे भाई, जो पवित्र होंगे, जो इस संसार से निष्कलंक होंगे, जो पवित्रता का जीवन बिताते होंगे, वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। बाकी सब यहीं रहेंगे जिंदा जलने के लिए और खून पीने के लिए। 7 साल तक आपको इसी पृथ्वी पर तड़पाया जाएगा और उसके बाद उसको उसी आधार पर परमेश्वर नरक में डाल देगा। बाइबल हमें बताती है, एक बार मरना और फिर उसका न्याय करना बहुत जरूरी है। जरा सोचो, अगर आप इसी तरह जीवन बिताते जा रहे हैं, अगर किसी दिन अचानक आपकी मृत्यु हो गई तो आपको हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ जाएगा। तब आपके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको हमेशा हमेशा उस नरक में करोड़ों सैकड़ों आत्माएं तड़पती होंगी। अगर एक बार उस नरक में चले गए तो वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हैया दैया मैया से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। तब आपको उसी अनंत काल की आग में जलना ही पड़ेगा। जो आपके शरीर में जो गर्मी भरी है ना, वो उसी अनंत काल की आग में निकल जाएगी। तब आपको पता चल जाएगा कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है और सेक्स वीडियो क्या होता है। यीशु ने यहाँ साफ साफ कहा था अपने वचन में कि आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जब आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नर्क में जाएगा। अभी आपके पास पूरा मौका है, आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर आपको माफ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपको नष्ट करना नहीं चाहता है। परमेश्वर यह चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां नर्क न जाए, सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए। जब आप खुद पाप करके थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में भूल जाते हो तो उसमें परमेश्वर क्या करे। न्यायी परमेश्वर है, दयावंत है और न्यायी परमेश्वर है, आपका न्याय करेगा परमेश्वर, याद रखना मेरी बात को। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर आपको नर्क में डाल देगा। इसलिए अपने उद्धार के बारे में सोचिए कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। वीडियो देखना बंद कर दो और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग तो नर्क में जाएंगे और साथ में तुमको भी ले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, इस अवसर को बहुमूल्य समझो। अपना टाइम इधर उधर बर्बाद मत करिए, बहुत से भरमाने वाली शिक्षाओं को फैला रहे हैं
लोगों को उधार पाने से रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों का उद्देश्य यह है लाखों करोड़ों आत्माओं को नरक में ले जाना है। आज बहुत कम यह प्रचार किया जा रहा है। स्वर्ग और नरक के बारे में कोई नहीं बता रहा है, बस फालतू की चीजें यूट्यूब पर बताई जा रही हैं। यूट्यूब पर वचन का प्रचार बहुत कम किया जा रहा है। अगर आप स्वर्ग और नरक के बारे में कोई स्वर्ग और नरक के बारे में वीडियो बनाता है, यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, तो डर से इस बात का है कि मेरे सब्सक्राइबर ना निकल जाएं। अगर सब्सक्राइब निकल जाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा, और व्यूज नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो मैं अपनी शौखें कैसे पूरी करूँगा। और वह मसीही मरकर नर्क ही क्यों ना चला जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कोई नर्क जाए, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, बस मेरा फायदा होना चाहिए। आज ये यूट्यूब पर यह कम बताया जा रहा है कि एक बार उस नर्क में चले गए तो वहाँ आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। हे मेरे भाई और बहनों, अपना फालतू समय बर्बाद मत करो। यीशु ने कहा था, तुम ना उस दिन को और ना उस घड़ी को जानते हो, इसलिए आप लोगों के बहकावे में ना आए, आप अपना मन फिरा लीजिए। हे मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग भरमाने वाले लोगों से बच जाएं और उद्धार प्राप्त करके स्वर्ग जाएं और अनंत काल का जीवन पाएं। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको पता ही है क्या होगा। पहले तो आपको इसी पृथ्वी पर तड़पाया जाएगा, बहुत बुरा हाल होगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 16:8 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और चौथे ने अपना कटोरा इस सूर पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अगर जो यहाँ पर कोई छूट जाएगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। परमेश्वर इस सूरज को एक आग का गोला बनाकर रख देगा, मनुष्यों की चमड़िया जिंदा झुलसेंगी, उनकी चमड़िया सिकुड़ जाएंगी, और मौत मांगोगी और मौत भी नहीं आएगी। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, तब उसको नरक में डाला जाएगा। वही शरीर आपको पहनाया जाएगा जिससे आपने गलत काम, विचार गलत काम किया है। और स्वर्ग में कौन जाएगा, देखिए परमेश्वर ने सिर्फ वफादार मसीहों को चुना है, जिन्हें मरने के बाद स्वर्ग में रहने के लिए जिंदा किया जाएगा। पहला पत्रस 1:3-4 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमको जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। अर्थात एक अविनाशी जो कभी नाश नहीं होता है, और निर्मल और अजर मीरास के लिए जिन्हें चुना जाता है उन्हें परमेश्वर के ठहराए स्तरों के मुताबिक पवित्र चाल चलन और मजबूत विश्वास बनाए रखना होता है, ताकि वह स्वर्ग में रहने का अपना इनाम खो न दें। मैं आपसे फिर से कह देता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, स्वर्ग में वही लोग उठाए जाएंगे जो पवित्र होंगे, जो इस संसार से निष्कलंक होंगे, वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। आप अपना फालतू समय बर्बाद मत करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपना समय परमेश्वर को दीजिए, इसलिए यीशु जल्दी नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे बेटियाँ नरक न जाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। एक और बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए उस नरक में डाल दिया जाएगा। यह मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। और वहाँ रोना होना और दाग पिसना होगा, वहाँ इतनी दर्दनाक मौत दी जाएगी, नहीं सह पाओगे इतनी दर्दनाक मौत आप। आशा करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।